हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सबका यूट्यूब के नंबर वर फार्मेसी चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए लर्निंग फार्मेसी चैनल को एंड बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट फार्मेसी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए दोस्तों ये सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री होता है इसके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना होता है बस आपको ये रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा चैनल पर उस पर क्लिक करना होगा तो आप सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को और फिर आपको ये बेल आइकन होगा उस पर क्लिक करना होगा ताकि जो भी हम वीडियोज़ डालें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल पाएं दोस्तों हर वीडियो आप तक पहुँचाने में हमें हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है तो प्लीज़ आप भी हमारा सपोर्ट कीजिए शेयर कीजिए को अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि बहुत से लोग हमारे साथ जुड़ पाए तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का सेशन आज की इस फ्रेंट 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 के इस वीडियो में कवर करेंगे फार्मास्यूटिक्स चैप्टर 17.5 कैप्सूल जिसमें हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे तो देखिए देख लेंगे क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर कैप्सूल्स सो फ्रेंड्स क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर कैप्सूल्स में हम कौन कौन से टेस्ट डिस्कस करेंगे वो देख लेते हैं सो देखिए देखेंगे वेट वेरिएशन टेस्ट देन कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट मॉइस्चर परमिशन टेस्ट डिजोल्यूशन टेस्ट एंड डिसइंटीग्रेशन टेस्ट तो इन सारे टेस्ट के बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे सो देखिए फर्स्ट देख लेते हैं क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट में वेट वेरिएशन टेस्ट देखिए क्या क्या किया जाता है वेट वेरिएशन टेस्ट में ट्वेंटी कैप्सूल्स आर टेकन एट रैंडम एंड वेट सो देखिए ट्वेंटी कैप्सूल जो है वो रैंडमली ली, ली जाती है उनको उनको वेट किया जाता है देर एवरेज वेट इज कैलकुलेटेड एंड देन ईच कैप्सूल इज वेट इंडिविजुअली एंड देर वेट इज नोटेड सो देखिए पहले उनका एवरेज वेट कैलकुलेट किया जाता है फिर उनका इंडिविजुअल वेट जो है वो कैलकुलेट किया जाता है हर कैप्सूल का देन द कैप्सूल पास द टेस्ट इफ द वेट ऑफ द इंडिविजुअल कैप्सूल फॉल विद इन नाइन्टी टू वन हंड्रेड परसेंट ऑफ द एवरेज वेट सो अगर ये सारी ही कैप्सूल पूरा ही बैच जो है ये पास कर जाता है टेस्ट अगर वेट ऑफ द इंडिविजुअल कैप्सूल जो इंडिविजुअल कैप्सूल्स है उनका वेट जो है वो किस रेंज के अंडर फॉल कर रहा है नाइन्टी टू वन हंड्रेड परसेंट ऑफ द एवरेज वेट सो अगर इस रेंज के अंदर फॉल करता है इंडिविजुअल कैप्सूल्स का वेट तो ये बैच जो है ये पास कर जाता है टेस्ट फिर नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं देन और क्या स्पेसिफिकेशन होती हैं और देखिए फिर क्या होता है अगर अगर वो स्पेसिफिकेशन फॉलो नहीं होती है तो क्या किया जाता है देखिए वेट वेरिएशन टेस्ट में इफ़ नॉट ऑल द कैप्सूल फॉल विद इन द लिमिट वेथ ट्वेंटी कैप्सूल इंडिविजुअली अगर वो पहली वाली स्पेसिफिकेशन जो हमने प्रीवियस स्लाइड में देखी थी वो फॉलो नहीं होती है तो क्या किया जाता है ट्वेंटी कैप्सूल को फिर से लिया जाता है बैच से और उनको इंडिविजुअली वे किया जाता है देन फिर देखिए क्या किया जाता है रिमूव द नेट कंटेंट ऑफ ईच कैप्सूल विद द एड ऑफ स्मॉल ब्रश फिर देखिए ये जो जो हमने कैप्सूल जो कैप्सूल ली जाती है उसका जो नेट कंटेंट है उसको रिमूव किया जाता है कैप्सूल में से देखिए मान लीजिए रिमूव किया जाता है स्मॉल ब्रश की आफ्टर रिमूवल ऑफ कंटेंट के बाद इनको इंडिविजुअली वे किया जाता है, है कंटेंट इंडिविजुअली so कितना नेट वेट ऑफ द कंटेंट है इंडिविजुअल कैप्सूल का वो कैसे पता लगाया जाता है वो फॉर्मुला एक तरह से दिया गया आपको देखिए नेट वेट ऑफ द कंटेंट इंडिव्यू इज़ इक्वल टू वेट ऑफ़ द शेल माइनस ग्रॉस वेट तो वेट ऑफ द शेल माइनस ग्रॉस वेट ग्रॉस वेट जो पूरी फिल्ड कैप्सूल है ये उसका वेट था तो तो देखिए वेट ऑफ द शेल माइनस ग्रॉस वेट किया जाता है तो हमें एक्जैक्टली exactly मिल जाता है नेट वेट ऑफ द कंटेंट इंडिविजुअली देन आफ्टर दैट क्या किया जाता है देखिए डिटामाइन द एवरेज नेट कंटेंट फ्राम द सम ऑफ द इंडिविजुअल नेट वेट तो जो हमें इंडिविजुअल नेट वेट मिला था जो हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था तो उसकी मदद से क्या किया जाता है एवरेज नेट कंटेंट जो है उसको वो निकाला जाता है देन देन डिटामाइन द डिफरेंस बिटवीन ईच इंडिविजुअल नेट कंटेंट एंड एवरेज नेट कंटेंट और उसके बाद क्या किया जाता है देखिए इंडिविजुअल नेट कंटेंट निकाला गया देन उसका एवरेज निकाला गया और फिर इन दोनों का डिफरेंस निकाला जाता है डिफरेंस बिटवीन ईचान इंडिविजुअल नेट कंटेंट एंड एवरेज नेट कंटेंट फिर देखिए लिमिट्स क्या होती हैं नॉट मोर दैन टू ऑफ द डिफरेंस आर ग्रेटर दैन टेन परसेंट ऑफ द एवरेज नेट कंटेंट तो अगर बैच कब पास किया जाता है टेस्ट में अगर नॉट मोर दैन टू ऑफ द डिफरेंस आर ग्रेटर दैन टेन परसेंट ऑफ द एवरेज नेट कंटेंट तो ये बैच जो है इसको पास कर दिया जाता है एंड नो केस इज द डिफरेंस ग्रेटर दैन ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ ऑफ वेट रेंज और ट्वेंटी फाइव परसेंट वेट रेंज से आ, कोई भी आ, जो है वो कैप्सूल ज़्यादा नहीं होने चाहिए 25 परसेंट वेट रेंज से कोई भी कैप्सूल का डिफरेंस तो ये बैच जो है उसको पास कर दिया जाता है टेस्ट के लिए सो तो देखिए ये था वेट वेरिएशन टेस्ट के बारे में

परसेंट की रेंज में उनको फॉल करना पड़ता है एंड टेंथ कैप्सूल जो इसमें नाइन आउट ऑफ टेन जो है वो इस लिमिट में होने चाहिए और अगर टेंथ जो जो कैप्सूल पास की है वो बियॉन्ड दिस रेंज है प्लस माइनस फिफ्टीन परसेंट रेंज की वो बियॉन्ड है वो इस रेंज में फॉलो अगर नहीं कर रही है देन ट्वेंटी कैप्सूल सर ऐसे फिर ट्वेंटी कैप्सूल जो है फिर उनको अगेन ऐसे किया जाता है ऑल कैप्सूल विद इन द रेंज ऑफ प्लस माइनस ट्वेंटी फाइव परसेंट और जी, जो ये ट्वेंटी कैप्सूल ऐसे की गई है इनकी रेंज दी गई है कि सारे कैप्सूल जो है वो इस रेंज के अंदर आने चाहिए दैट इज प्लस माइनस ट्वेंटी फाइव परसेंट सेवेंटी फाइव परसेंट टू वन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव परसेंट के रेंज में उन सारे कैप्सूल को फॉल होना ही चाहिए तभी ये बैच जो है ये पास कर पाएगा टेस्ट सो so ये था देखिए कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट ऑफ कैप्सूल के बारे में ना देखिए क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट में थर्ड आता है हमारा मॉइस्चर परमियशन टेस्ट क्या होता है देखिए इसमें मॉइस्चर परमेशन टेस्ट में द डिग्री एंड रेट ऑफ मॉइस्चर परमिएशन इज डिटरमाइंड बाय द पैकेजिंग ऑफ द डोसेज यूनिट टुगेदर विद द कलर रिवीलिंग डेसिकेंट पैलेट सो देखिए इसमें क्या किया जाता है कि जो जो डोसेज यूनिट है जो पैकेजिंग uh, है उसमें क्या किया जाता है कि एक कलर रिवीलिंग डेसिकेंट पैलेट को क, को एड कर दिया जाता है कलर रिविलिंग डेसिकेंट पैलेट क्यों uh, क्यों जा, कहा जाता है इसको बिकॉज अगर इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर अगर मॉइस्चर प्रेजेंट है उसके सराउंडिंग में सो तो इस तरह के पैलेट जो है अपना कलर चेंज कर लेते हैं दैट इज़ वाई इसको मॉइस्चर परमिशन टेस्ट के लिए के लिए इस तरह के पैलेट्स का यूज़ किया जाता है क्या होता है देखिए एक्सपोज द पैकेज यूनिट टू दोन टू नोन रिलेटिव ह्यूमिडिटी ओवर द स्पेसिफाइड टाइम सो इसमें क्या किया जाता है कि जो पैकेज uh, यूनिट है कैप्सूल की पैकेजिंग यूनिट है उसको एक्सपोज किया जाता है टू द रिलेटिव ह्यूमिडिटी में उसको एक्सपोज किया जाता है ओवर द स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के लिए देन ऑब्जर्व जो डेसिकेंट पैलेट जिसके साथ उसको पैक किया गया है उसको ऑब्जर्व किया जाता है फॉर द कलर चेंज के लिए कलर चेंज हो रहा है उसका इसका मतलब है कि सराउंडिंग में मॉइस्चर प्रेजेंट है देन एनी चेंज इन कलर इंडिकेट द ऑफ मॉइस्चर जैसे अभी हमने बताया फिर बाई मेजरिंग द प्री टेस्ट वेट एंड प्रोटेस्ट वेट ऑफ द पैलेट अमाउंट कैन बी कैलकुलेटेड सो देखिये टेस्ट के पहले जो वेट था उस पैलेट का एंड टेस्ट के बाद जो उस पैलेट का वेट आया है सो so उसका डिफरेंस निकाल के पता लगाया जा सकता है कि कितना अमाउंट ऑफ मॉइस्चर जो है वो एब्सॉर्ब हुआ है सो so ये होता है देखिए मॉइस्चर परमिशन टेस्ट देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है डिस डिजोल्यूशन टेस्ट फॉर कैप्स्यूल इस देखिए हमने अपने क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर टैबलेट्स अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं तो उसे आप प्लीज़ ज़रूर देखें फिर इसी तरह से होते हैं है, so, कैप्सूल्स के डिजोल्यूशन टेस्ट क्या होता है देखिए इसमें प्लेस थाउजेंड एम ऑफ वाटर हैविंग टेम्परेचर अराउंड थर्टी टू थर्टी डिग्री सेल्सियस अ वेसल तो देखिए थाउजेंड एमल ऑफ वाटर को एक वेसल में ऐड किया जाता है जिसका टेपरेचर क्या होता है थाउजेंड एम वाटर का थर्टी टू थर्टी डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन किया जाता है देन प्लेस स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कैप्सूल इन बास्केट एंड एडजस्ट द स्पीड टू 100 rpm फिर देखिए स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कैप्सूल रखे जाते हैं इन बास्केट्स में और इनकी इनका जो रोटेशन स्पीड है उसको मेंटेन किया जाता है 100 uh, 100 rpm पे देन विथड्रॉ रिक्वायर्ड अमाउंट अमाउंट फॉर एवरी टेन मिनट टाइम इंटरवल फिर देखिए एवरी टेन मिनट टाइम इंटरवल पर जो रिक्वायर्ड अमाउंट है उसको विड्रॉ किया जाता है इन बास्किट से उसको विड्रॉ किया जाता है देन फिल्टर एंड डिटर्माइन द अमाउंट ऑफ एक्टिव इन्ग्रीडियंट फिर जो रिक्वायर्ड अमाउंट है उसको फ़िल्टर किया जाता है और अमाउंट ऑफ एक्टिव इन्ग्रीडियंट जो है वो डिटामाइन किया जाता है द सैंपल पास द टेस्ट इफ़ अमाउंट ऑफ एक्टिव इन्ग्रीडियंट इन सोल्यूशन इज नॉट लेस दैन सेवेंटीन सेवन इज नॉट लेस दैन सेवेंटी परसेंट ऑफ द स्टेटेड अमाउंट तो सैम्पल तो 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 जो हमने लिया है वो पास कर जाता है टेस्ट अगर अमाउंट ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट इन, इन द सॉल्यूशन जो है वो नॉट लेस देन 70 परसेंट ऑफ द स्टेटेड अमाउंट तो स्टेटेड तो अमाउंट से नॉट लेस देन 70 परसेंट अगर वो है तो ये सैंपल जो है ये पास कर दे कर जाता है टेस्ट इसको पास करवा दिया जाता है अप्रूव करवा दिया जाता है तो देखिए ये था डिजोल्यूशन टेस्ट ऑफ कैप्स्यूल्स सो देखिए डिसंटीग्रेशन टेस्ट देख लेते हैं क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट में क्या होता है देखिए द डिसिनिग्रेशन टेस्ट डिटामाइन वेदर कैप्सूल डिसइंटिग्रेट विद द प्रिस्क्राइब टाइम व्हेन प्लेस्ड इन द लिक्विड मीडियम अंडर द प्रिस्क्राइब इंट्रीगल कंडीशन तो देखिए डिस इंटीग्रेशन टेस्ट किया जाता है डिटरमाइन करने के लिए कि कैप्सूल जो है वो एक प्रिस्क्राइब्ड पीरियड ऑफ टाइम में प्रिस्क्राइब टाइम प्रिस्क्राइब टाइम में प्रॉपरली डिसिनटिग्रेट हो पाती है या नहीं लिक्विड मीडियम में तो इसलिए डिसइंटिग्रेशन टेस्ट किया जाता है मेथड में देखिए क्या होता है अकॉर्डिंग टू बी पी एंड विच अप्लाई टू बोथ हार्ड एंड सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल दोनों ही के लिए अप्लाई होता है ये वाला मेथड जो अभी हम अपने आगे वाले स्लाइड में देखेंगे तो देखे वो उस मेथड को देखते हैं सो so, देखिए क्या किया जाता है डिसइंटीग्रेशन टेस्ट में इंट्रोड्यूसड वन कैप्सूल इन ईच ट्यूब एंड सस्पेंड द एपरेटस इन द बीकर कंटेनिंग वाटर मेंटेन एट द टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस इफ़ हार्ड कैप्सूल फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर देन द डिस्क में बी एडेड सो देखिए इस तरह का एपरेटस होता है जिसमें क्या किया जाता है वन कैप्सूल को इंट्रोड्यूस किया जाता है ईच ऑफ द सिक्स ट्यूब में और इसमें इस, इस, इसको सस्पेंड किया जाता है बीकर कंटेनिंग वाटर में जिसका जिसका टेम्परेचर जो है कितना मेंटेन किया जाता है थर्टी सेवन डिग्री सेल्सियस वाटर का टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है देन फिर देखिए यहां बताया कि इन ट्यूब्स so तो तो उस, 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 उस के ऊपर जो है उसको प्लेस कर दिया जाता है देन ऑपरेट द अपरेटर फॉर थर्टी मिनट रिमूव द असेंबली फ्रॉम द लिक्विड फिर ये पूरा ही अप, अपरेटर जो है उसको ऑपरेट किया जाता है थर्टी मिनट्स के लिए इसको अप एंड डाउन देखिए इस तरह से डिस इसको इस तरह से ऑपरेट किया जाता है और फिर आफ्टर थर्टी मिनट असेंबली जो है उसको रिमूव किया जाता है लिक्विड से द कैप्सूल पास द टेस्ट इफ देखिए अब ये स्पेसिफिकेशन होते हैं कि कैप्सूल पास कर जाती है टेस्ट इफ क्या होता है फर्स्ट देखिए स्पेसिफिकेशन है नो रेसिड्यू रिमेन ऑन द स्क्रीन ऑफ द एप्री टेस्ट किसी भी तरह का कोई भी रेसिड्यू अगर स्क्रीन ऑफ द एपरेटच पे नहीं है तो ये सैंपल जो है ये कैप्सूल जो है ये पास कर जाती है टेस्ट या इफ द रेसिड्यू रिमेन इट कंसिस्ट ऑफ द फ्रेगमेंट ऑफ शेल अगर रेसिड्यू जो बचे हैं इस इसमें अगर रेसिड्यू बचे भी हैं तो उसमें से वो फ्रेगमेंट ऑफ शेल शेल जो है उसके फ्रेगमेंट्स होने चाहिए किसी भी तरह का विजिबल अभी देखिए नेक्स्ट पॉइंट है इफ अ सॉफ्ट मास विद नो विजिबल कोर इज़ प्रेजेंट मीन्स देखिए आफ्टर इस टेस्ट करने के बाद अगर स्क्रीन पे अगर इसकी जो स्क्रीन है उस पर अगर रेसिड्यू बचे भी हैं तो वो रेसिड्यू जो है वो सिर्फ फ्रेगमेंट ऑफ शेल होने चाहिए किसी भी तरह का विजिबल कोर नहीं होना चाहिए किसी भी तरह का जो एक्टिव इन्ग्रीडियंट है वो नहीं दिखना चाहिए आफ्टर स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के बाद तो ये बैट जो है ये पास कर जाएगा टेस्ट या इफ द डिस्क इज यूज एनी रेसिड्यू इन इज रिमेनिंग ऑन इट्स लोअर सरफेस शुड ओनली कंसिस्ट ऑफ द फ्रेगमेंट ऑफ शेल और जैसे हम अभी हमने बताया था कि हार्ड कैप्सूल के, के केस में क्या होता है फ्लोट होने लगती हैं तो डिस्क को ऐड किया जाता है तो अगर डिस्क को ऐड किया भी जा रहा है और अगर डिस्क के लोअर सरफेस जो है उस पर कोई रेसिड्यू बचा भी है तो वो सिर्फ होना चाहिए ओनली कंसिस्ट ऑफ फ्रेगमेंट ऑफ शेल्स तो वो सिर्फ शेल्स का फ्रेगमेंट होना चाहिए तो ए, अगर ये सारी स्पेसिफिकेशन फॉलो हो जाती हैं तो ये बैच जो है ये पास कर जाता है टेस्ट तो so, देखिए ये था डिसइंटीग्रेशन ऑफ टे, टेस्ट ऑफ कैप्सूल के बारे में सो थैंक्स फॉर वॉचिंग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे फार्मास्यूटिक्स चैप्टर 18 जिसमें हम सॉफ्ट जिलेटिन कैप्स के बारे में देखेंगे सो so, फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो के नीचे रट करके सब्सक्राइब बटन दिया होगा उस पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपका कोई भी सवाल है तो नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं ये कुछ हमारे रिलेटेड वीडियोस के लिंक हैं जिन पे क्लिक करके आप उनको देख सकते हैं दोस्तों लर्निंग फार्मेसी पे आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिलते हैं अगले वीडियो में